अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये सेट है फिलिप्स का 42 इंच का एलसीडी टीवी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड पड़ा हुआ है, ये इसका मदर बोर्ड है, ठीक है। ये इसका टीकोन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसका पैनल का नंबर देख सकते हैं, ठीक। तो ये 42 इंच का पैनल है इसका। तो इसमें फॉल्ट क्या है कि इसकी बैकलाइट जो है वो तकरीबन एक मिनट सेट ऑन होता है, बिल्कुल बैकलाइट ऑन होती है, एक मिनट चलने के बाद बैकलाइट इसकी ऑफ हो जाती है, लेकिन इसके आवाज़ जो है वो आती रहती है, ठीक है। इसकी बैकलाइट एक मिनट चलने के बाद, एक डेढ़ मिनट के बाद इसकी बैकलाइट जो है ऑफ हो जाती है, लेकिन बैकलाइट जो चेक किए हैं बैकलाइट भी बिल्कुल ओके हैं। तो इसमें फॉल्ट क्या है, सम टाइम फॉल्ट इसके आईसी का भी हो सकता है, ठीक है। ये जो इसके आईसी के, ये प्रोटेक्शन मोड में भी चला जाता है, ऐसा भी होता है कि सेट जो आईसी जो आपका प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, तो इसकी कुछ एक पिन जो है वो ओपन करनी पड़ती है या 10 के की रेजिस्टेंस ग्राउंड करनी पड़ती है उसके साथ, तो फिर जाके जो हमारा मसला जो, अगर अगर ये आईसी का फॉल्ट होगा तो मसलन आईसी का वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है सेट, आईसी जो है वो बैकलाइट ऑफ कर देता है, तब हमें जाकर 10 के की रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ती है, इसकी ग्राउंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें मैंने वो भी चेक किया, लेकिन फिर भी सेट हमारा जो है वो एक मिनट के बाद, एक डेढ़ दो मिनट, आठ दो मिनट के बाद बैकलाइट इसकी ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इसको ट्राई किया, रिसोल्ड किया इतने सारे एरिए को जहाँ पे बैकलाइट का एरिया है, ठीक है। तो इन्वर्टर को, इन्वर्टर के एरिए को भी मैंने रिसोल्ड किया, लेकिन फिर भी मसला नहीं हुआ। तो अब फॉल्ट जाके कहाँ पे मिला है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ फॉल्ट आखिर इसका कहाँ पर है, ठीक। तो मैं तो यहाँ पे इसका इन्वर्टर जो है वो यूनिवर्सल भी ऐड करने वाला था, तो जो कि वो वैसे भी ऑलरेडी मिला नहीं मुझे अभी, ठीक है। तो प्रोग्राम मेरा था कि इसको, अगर ये इस फर्ज करें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो इसकी जगह पे यूनिवर्सल ऐड कर दिया जाए बैकलाइट के लिए, ठीक है। तो ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है। तो इसके इसके नीचे यहाँ पे आईसी है, ठीक है। तो ये ऊपर दो वेरिएबल लगी हुई हैं, तो ये दो वेरिएबल लगी हुई हैं, देख सकते हैं। तो इसका फॉल्ट जो है ये वेरिएबल क्या है, ठीक है। अब हम इसको वेरिएबल को चेंज करेंगे, ठीक है। ये लगी है 407 की, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं ऐड करेंगे, ये फॉल्ट इस वेरिएबल का मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बैक लाइट थे वो एक डेढ़ दो मिनट के बाद ऑफ हो जाती थी, ठीक है। तो अब हम इस वेरिएबल को चेंज करेंगे, रिप्लेस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ हमारा फॉल्ट जो है वो दूर हुआ कि नहीं, ठीक है। बहरहाल मैंने ट्राई किया इस वेरिएबल को, तो फॉल्ट वेरिएबल का निकला है। तो बहरहाल इसकी जगह पे मैं दूसरी ऐड करता हूँ, फिर देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने रिप्लेस कर दी है इसको। पहले ये आप देख सकते हैं, ये लगी हुई थी, इसके ऊपर गम भी लगी हुई है, ठीक है, जो पहले थी, ठीक है। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो अब इसकी जगह पे दूसरी ऐड की है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी बैकलाइट बिल्कुल ओके है, अभी ऑफ नहीं हो रही, ठीक है। तो पहले ऐसे होता था, जब सेट ऑन करते थे एक मिनट, डेढ़ दो मिनट के बाद जो बैकलाइट है उसकी ऑफ हो जाती थी। तो इसके आईसी के ऊपर जो इसकी प्रोटेक्शन पिन है उसको भी ओपन किया, उसको ग्राउंड भी किया, लेकिन फिर भी फॉल्ट नहीं जा रहा था, फिर भी ये सेम पोजीशन थी, ठीक है। तो ये आखिरकार फॉल्ट जो है वो इसका बोर्ड सारे को रिसोल्व भी किया, तो आखिर में फॉल्ट जो है वो इसका वेरिएबल का मिला, ठीक है। तो अब सेट हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक चल रहा है, देख सकते हैं। अभी इसको चलाएंगे, थोड़ी देर चलने के बाद कन्फर्म होगा। बहरहाल इसका फॉल्ट था पहले, अभी तक तो ये ऑफ हो जाती थी, ठीक है। तो अब सेट हमारा बिल्कुल ओके है। इसका ऐसे होता है कि अगर इसकी बैकलाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बैकलाइट इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी पावर सप्लाई में से बैकलाइट को वोल्ट मिल रहे हैं। अगर इसके बैकलाइट एक भी ख़राब होगी, दो भी ख़राब होगी, तो फिर उसका वो दूसरी जलती रहेंगी, यानी कि, ठीक है, अगर बैकलाइट में फॉल्ट होगा तो, ठीक है।
अगर बैकलाइट में फॉल्ट होगा तो इसकी बैकलाइट जो है वो जो ख़राब होगी वो तो नहीं जलेगी, दूसरी जलती रहती है, ठीक है, इस तरह के बोर्ड में, ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जा रही है बैकलाइट को। तो अगर तो फ़र्ज़ करें ये मेरे पास सैमसंग का बोर्ड पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बोर्ड है सैमसंग का, अगर तो इस तरह का बोर्ड है ये, ठीक है, ये अगर तो ये है तो ये यहाँ पर अगर इस तरह के बोर्ड की कोई एक भी बैकलाइट ख़राब होगी तो सारी बैकलाइट नहीं चलेंगी, ठीक है। ये जो बोर्ड होते हैं ये बैकलाइट को डायरेक्ट यहाँ पे जाते हैं, इसके ऊपर चोक लगे, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अगर इसमें से कोई बैकलाइट इस तरह के बोर्ड में कोई इस तरह के पैनल में बैकलाइट ख़राब होगी तो बैकलाइट जो है वो सारी नहीं जलेंगी, जलेंगी उसी वक्त ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन ये जो सेट है अगर इसमें बैकलाइट का फॉल्ट होगा तो बैकलाइट जो ख़राब होगी वो जलेगी नहीं, दूसरी जलती रहेंगी, ठीक है, दूसरी वर्क करेंगी लेकिन जो ख़राब है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है, इन दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। तो बहरहाल अभी आप देख सकते हैं बैकलाइट इसकी ओके बिल्कुल ठीक चल रही है, यानी कि बैकलाइट भी इसकी ओके थी, इसका फॉल्ट इसकी वेरिएबल में था।